हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल सारे अनु। सो आज हम जा रहे हैं वेस्ट बीच। क्या हुआ गेरा, तू ब्लाइंड बन के क्यों घूम रहे हो? नहीं, ये नीचे होगा और ऊपर नहीं खींचो, और लो अंकल है। तो गेरा पहन रहा है नए जूते अपने। सो गाइस प्लीज़ थोड़ा घर को थोड़ा इग्नोर मारना। बट अमन यहाँ पे चप्पल अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मेरा नया ब्रो, ये है गेरा का दिमाग। इसने मैं आपको सच्ची बताती हूँ, इसने हरकत क्या की है। इसने इसकी ना ये वाली बॉटल है छोटी सी, और इसने क्या किया, इसका जो चेंज करके ये लगा दिया, बड़े इसका सिपर बन गया है। ये लो अपना सिप सिप करो। तुम हमारी गाड़ी क्यों टुकवा रहे हो? ये पक्का गाइस रिपोर्ट होने वाला है, मैं बता रही हूँ। जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा है ना, चश्मा डाल हफ्ते भर बाद वैसे तो कुछ ठोक के जाऊं। कह रहा है आगे ये जो सामने पोर्शे है ना, कह रहा है इसको ठोक के दिखाओ। 50-50 करेगा। फाइन फाइन, हाँ ठीक है चल। इस यार इससे अच्छा हम पैसे मिला के एक फरारी रेंट करके हम एक दिन चला सकते हैं। कितना फाइन होएगा भाई? बहुत ज्यादा, 4-5 हज़ार तो आराम से। चुपके से ठोक के चल। यस गेरा चैलेंज। अरे अभी मैंने ये कपड़ा, अरे तुम कर सकते हो, जाओ। अरे यार मेरा खराब है। क्या खराब है? कोऑर्डिनेशन। अभी जब नीचे तो भाग लो। चल ठीक है साथ चल। चल ओके 1 2 3 जाओ। भाग 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 भाग। तो गाइस अभी हम आए हैं February 30 प्लेस, तो इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है। छोड़ो क्या करोगे मार के, तो चलते यहाँ पर। दिस वन हो जाओ ना, चल गया तो वाटर यहाँ पे आदान प्रदान चल रहा है। और ये सारे वर्ड्स मैं गेरा से सीख रही हूँ, आदान प्रदान। और वो पौष्टिक, क्या पौष्टिक बोले थे? पौष्टिक आहार। तो ये लेट्स गो इन। क्या हुआ, इधर बैठना है? ये दिया है लेकिन शेड नहीं है। अभी निकल चुके हैं, और ये दोनों महाशय ने बहुत ज्यादा ही छप छप किया है। तो अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो हम जा रहे हैं कराची दरबार, जो कि एक पाकिस्तानी कराची ग्रिल जा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने, जो मैंने एक व्लॉग डाली थी पहले जिसमें मैंने पाकिस्तानी फूड खाया था पाक दरबार में, तो कमेंट आया था कि इससे भी अच्छा और ऑथेंटिक है, तो उसमें से एक ऑप्शन था कराची ग्रिल का। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जा कर ट्राई करेंगे कि वो एक्चुअली में अच्छा है कि नहीं है। सो गाइज हम आ गए हैं फाइनली कराची ग्रिल, जो कि सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो अभी देखते हैं, चलते हैं। गुड मॉर्निंग। ये रहे हमारे मिस्टर एंड मिसेस गेरा। मिस्टर एंड मिसेस गेरा, इधर पीछे हमारी है खलीसी। तो गेरा आज पहली बार तुम ट्राई करोगे ना पाकिस्तानी फूड? यस। इंडिया से आया मेरा दोस्त, खाएगा कराची का खाना। मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है, सेम होगा? अमन ने कमेंट किया है वैसे, मैं डिलीट कर दूंगी। चांदी नहीं है रे बाबा, स्टील है। क्या है? 47 के स्टील है। किसका? 47 के अंदर मैंने किया रिकॉर्ड सर। आई लाइक द वाटर रूम टेंपरेचर। फॉर वाटर रूम टेंपरेचर प्लीज। देखा प्लेटें ले गए हमारी, क्यों ले गए पता नहीं। चलेगा उसकी वाला, चलेगा ना उससे।
तो गाइस अभी हम ऑथेंटिक पाकिस्तानी फूड देख रहे हैं। मटन नहीं खा, मटन खाना है? खा सकता हूं। तो मटन खाओगे? चलेगा। ये बनाए थे मिक्स के, इसमें मिक्स हो जाता है, इसमें काफी वैरायटी है। तो आप एक क्लासिक कर दो और कॉम्बिनेशन ऑफ चारकोल एंड मटन, नो बीफ इन दिस, नो बीफ राइट गाइस। जो मैं बता रही थी ना अभी आपको, जो आगे हटा दी गई वो शो के लिए थी, ठीक है, तो हमारे लिए वापस आ चुकी है अभी मैंने पूछ लिया उनसे कि क्यों हटा दी, उसमें वाली वो शो के लिए, वो देखो उधर पड़ी है, हटो मन, वो देखिए रिफ्लेक्शन थोड़े लाइट लाइट अच्छा लगता होगा। तो गाइस ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये उन्होंने बोला है कि इनका ये काफ़ी अच्छा है और ये क्रिस्पी कॉर्न है, तो सिद्धार्थ को बहुत पसंद है इसीलिए ये मंगाया है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्होंने पूरा बाइंड कर रखा है। ट्राई गाइस, ये आया है एक ऑथेंटिक स्टार्टर इनका, जो कि है उसमें क्या क्या है, सीख कबाब, ये सीख कबाब, दिस इज सीख कबाब, गोला कबाब, तो खाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ ये है कैसा। मैं पहले क्या ट्राई करूँ? लैम चॉप्स। तो गाइस मैं अभी ले रही हूँ लैम चॉप, और जो इन्होंने बोला था गोला कबाब, ये गोल गोल है तो ये गोला कबाब, और क्या है यहाँ पे, ये कुछ चिकन है, कुछ राइस भी है यार, ये देखो तुम्हारी बिरयानी हो गई, गिरा भाई बिरयानी हो गई, मैं नजर पड़ गई, गुड राइस क्वांटिटी, तो मैं ले लेती हूँ थोड़ा बासमती चावल, बासमती दावत चावल बुला रहे, इंडिया गेट करें मैं पहले राइस ट्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छा एक अरोमा है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, बट आई थिंक ये मसाला है किसी कबाब का ही ना, काफ़ी अच्छा है क्या हुआ मेरे भाई हंस रहा है, पता नहीं क्यों हंस रहा है क्यों हंस रहे हो, गेरा के एक्सप्रेशन देख देख के हंस रहा है, अरे कुछ नहीं मैं बस जो BTS वाला काम इधर से हो with a beautiful view of Burj Khalifa. हाँ, वो view देखो। कांच गंदा है, वरना Burj Khalifa है पीछे से। हाँ। खंबे पे confused मत होइएगा, पीछे के थोड़ा। तो मैं lamb chops नहीं खाती हूँ, but ये lamb chop इतना गला हुआ है ना, like बहुत tasty। तो thank you, जैसे से ये वाला place recommend किया था, must try। अभी तक तो मुझे पसंद आया, आगे देखते हैं। एक चीज अच्छी है कि ये कबाब के साथ ना इन्होंने चावल दिया और गेरा की बिरयानी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया में कबाब्स और इन सब के साथ मैंने कहीं नहीं देखा कि वो राइस देते हैं, बट यहाँ पर राइस है, तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं गेरा राइट। तो मैं चावल ज़्यादा पसंद है, तुम चावल खा रहे हो, गेरा स्टार्ट, पहले क्या खा रहे हो? ये वाला चिकन, चिकन हांडी नहीं, चिकन मटकी, अपने सच वचन देना, वचन उच्च वचन देना, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है अपना इंडियन फूड जैसा है? नहीं थोड़ा तो वेस्टर्नाइज है, थोड़ा वेस्टर्नाइज है कि और देखो पाकिस्तानी फूड लग रहा है, व्हाट वेस्टर्नाइज, मतलब देसी वाला फ्लेवर, देसी वाला मतलब सेम है, फ्लेवर नहीं है, नहीं है, अच्छा हो सकता है रेस्टोरेंट ने अपना कुछ टचअप इसमें दिया हो, बट पेशावरी खाते थे को ये है, कैसा फ्लेवर है, तुमने अपने इंडिया में खा रखा है? नहीं खा रखा, तो पाकिस्तान का ऑथेंटिक फूड है ना, ये हमारे यहाँ नहीं बनता ना पेशावरी, आई थिंक दिल्ली विल्ली में मिलता होगा, डोंट हैव पेशावरी, बट लेट मी ट्राई, मैं भी बताती हूँ कि मुझे पेशावरी चिकन कैसा लगता है, वेरी वेरी न्यू फ्लेवर, टमाटो बेस्ड लग रहा है मुझे, कितना ही टमाटो बेस्ड है ना, रॉ टमाटो मैंने कभी नहीं खा रखा, एंड
मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पेशावरी चिकन। मैंने जब मैंने पाक दरबार में खाया था तो मैंने कहा यहाँ पर अचारी चिकन, वाइट चिकन और रोगी नान, बट उनकी ना मुझे ये रोगी नान ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ब्राउनिश है, आई डोंट नो व्हाई। कमजोर है ना, दूसरे को नहीं खाता। लेकिन तूने बचा दिया खाना, ऐसा क्यों किया है? कभी जिद्दी बात से पूरा खाना दिखाया उसने। ये कि मतलब चार लोगों के हिसाब का खाना था वो। इन्होंने मैं बोला कि एक देंगे छोटा सा और ये इतना बड़ा, मतलब लिटरली हमने खाना पैक करवाया। ये देखो भाई पार्सल हो रहा है अभी, इतना सारा खाना पैक करवाया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया और हमें 1K फॉलोअर्स से ऊपर कर दिया है, एंड बहुत बहुत थैंक यू उस चीज़ के लिए। हमने स्टार्ट कभी किया था, आई थिंक आज से 5-6 मंथ्स बैक, एंड इतने ही टाइम पीरियड में इतना सारा प्यार दिया है, बहुत दिल से शुक्रिया। और आप ऐसे ही प्यार देते रहना, तो उसी के लिए दिस इज समथिंग, छोटा सा सेलिब्रेशन और हमारी मेहनत। चलो कट करो, ऐसे ही प्यार देते रहना, कट करो, आपको बोर हो रहा है। पहला केक तो आप लोगों के लिए, एंड थैंक यू तुम्हारे लिए, बिकॉज मैं बताती हूँ सारी एडिटिंग एंड माई ब्रदर टू, जो कि बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, बट नाटक करता है बट कर देता है। थैंक यू। अच्छा, एंड इस लड़के को भी जो उससे मेहनत कर रही है। अच्छा, मैं तुम्हें खिलाया, मैं तो गेस्ट गेस्ट को भी खिलाया जाता है।